हेलो एंड वेलकम टू कोरल डॉ ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि कारपेट का लेआउट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह उसको डिज़ाइन करके एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कुछ आपको कि किस तरीके से उसमें लेआउटिंग करके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें निकाली हैं, लेकिन ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये CDTFB को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। यहाँ हमारे वीडियोज़ नए मिलेंगे तो आप सभी वीडियोज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, ताकि नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए, बहुत वक्त नहीं लूँगा, शुरू करूँगा आज की फिर से क्लास। मुझे एक व्यूअर ने बताया था कि ये टूल डाउनलोड करने के लिए, तो जब भी मैं कोई क्लिक या कोई प्रेस करूंगा की, देखिए कंट्रोल किया, शिफ्ट किया, कैप्स लॉक किया, शिफ्ट किया मैंने, तो ये फौरन कंट्रोल किया तो बताता रहेगा आपको कौन सा बटन क्लिक किया, क्या किया। तो अब आप इसको देख सकते हैं डायरेक्ट जब भी मैं कोई क्लिक करूंगा बटन। अब मैं अगर बताना भूल भी जाऊँगा आपको शॉर्टकट या की, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम कारपेट डिज़ाइन करने के लिए या कोई बेड स्प्रेड वगैरह या कुछ ऐसा डिज़ाइन करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक लेआउट की, कि जिस साइज में हमें चाहिए होगा। तो देखेंगे आप, रेक्टेंगल होगा, एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम सबसे पहले। वैसे तो हम प्रॉपर उसको फीट्स में, यहाँ से चेंज कर फीट्स में बनाना चाहिए, जितने बाई जितने फीट का है या इंचीज में काम करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। बाकी साइज़, मेजरमेंट्स और डिज़ाइन आप क्या लगाना चाहते हैं उसमें, एलिमेंट्स क्या यूज़ करेंगे, वो आपके ऊपर है क्रिएटिविटी के, कि आप उसमें क्या क्या एलिमेंट यूज़ करेंगे वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं। ये एक आर्च रखी है, ये वाली आर्च रखी हुई है, ये कुछ एक वैक्टर एलिमेंट है, देखेंगे आप। अभी मैंने लास्ट वीडियो एक पैटर्न का बनाया था, ये वाला देख सकते हैं आप, हाउ टू मेक सीमलेस पैटर्न कोरेलड्रॉ। इस वाले में ये वाली पैटर्न के एलिमेंट्स यूज करके मैंने पैटर्न बनाया था, वाली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कैसे बनाया था। अब मैंने ये छोटा सा कॉर्नर का पोर्शन यूज करने के लिए निकाला है, वेक्टर है, सभी चीजें वेक्टर हैं, या कोई भी बिटमैप नहीं है। मैं वायर फ्रेम कर आपको दिखा देता हूँ, देखिए जल्दी से। और मैं कोरल 17 यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। हायर वर्जन मैंने इस 2020 में बनाना चाहता था मैं आज का वीडियो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया, कहीं आपको ये ना लगे कि ये लोअर वर्जन में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करेंगे क्लास। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल लूँगा, F6 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, देखिए नीचे दिखाता रहेगा आज। इसको मैं एक साइज बना लूँगा, साइज इसकी फिल नन कर देंगे, वाइट कर देंगे, चलिए आउटलाइन इसकी ब्लैक, और इसका साइज मैं फिलहाल लगा देता हूँ 9 इंचज बाई 11 इंचज मान लेते हैं। चलिए ये समझ लीजिए कारपेट है यार, ये तो हमें डिस्टर्ब करेगा बहुत, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, इसको साइड में रख लेता हूँ मैं, यहाँ इस तरह का, इसको यहां रख लेते हैं क्योंकि यहां कलर आपको देखने में आसानी रहेगी और यहां हम बीच में काम करेंगे। ये देखिए, तो ये हमने इस तरह एक शेप बना लिया कारपेट के लिए। थोड़ा सा हाइट बढ़ा देता हूं इसकी, 11 की जगह 11.5 कर देते हैं, सॉरी ये 12 कर देते हैं पूरी, और यहां से 9 कर देंगे, 8 कर देंगे, हाँ ये सही है, कारपेट की फॉर्मेट लेआउट दे रहा है, चलिए 9 ही रखते हैं, कोई बात नहीं है। साइज तो जो आपका रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से होगा। अब हम इसमें इसको कुछ पार्ट्स बना लेंगे इसके अंदर, कि हमें एक बॉर्डर देना होगा, फिर उसके आप बाहर एक और फ्रेम देकर उसमें पैटर्न लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लगाएंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल F9 करके कंटूर का ऑप्शन खोलेंगे, यहाँ हम थिकनेस इसकी चलिए यही रख लेते हैं 1.25 इंचेस, तो इस तरह हमें आउटलाइन चाहिए, हम नन कर देते हैं कलर फिलहाल,
ये कम है, हम इसकी 2.5 इंचेस रखेंगे, 0.25 इंचेस इनसाइड कंटूर, ब्रेक अपार्ट कर देंगे इसको हम यहाँ। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास। अब हम इसको फिर से कंट्रोल जेड करेंगे, इस बार हम इसकी थिकनेस 0.063 रखेंगे। देखिए इस तरह, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा पोर्शन, ताकि हम यहाँ काम करते हुए दिखें हम क्या कर रहे हैं। फिर इसको ब्रेक अपार्ट कर लेंगे, आराम आराम से करेंगे। फिर से मैंने लिया, इस बार इसको मैं 2 इंचेस रख लेता हूँ। मैं इसको छोटे साइज में बना रहा हूँ, क्योंकि जब हम बड़ा कर लेंगे इसको तो ये ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। इस तरह ये ज्यादा हो जाएगा, 1 इंचेस देखें, 1 इंचेस ठीक है। फिर इसको ब्रेक अपार्ट कर लेंगे, बेसिकली मैं कर रहा हूँ ये अलग अलग फ्रेम्स बना रहा हूँ, देख लीजिए आप। ये फिर से मैं इस वाले साइज का बनाऊंगा 063। कंटूर इसलिए कर रहा हूँ ताकि चारों तरफ से पोर्शन मेरे प्रोपोर्शन बराबर आए, 0.063, तो इतना ही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। प्रोपोर्शन में काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ एक फ्रेम हो गया यार, यहाँ एक और देना चाहिए। इसको डिलीट करते हैं दोबारा से, हम इसको भी डिलीट करते हैं। इसके बाद हम एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर यहाँ एक और देते हैं 0.25 का देते हैं कंटूर, 0.25। हाँ ये ठीक है, इसको कंटूर ब्रेक अपार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम फिर से ये वाली लाइन देंगे 063 की, 063, तो एक और ना आ जाएगा, आराम आराम से। सबसे मेन चीज़ है ये, इम्पोर्टेंट। और हाँ एक बात और बता दूं, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहले इस सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और पी प्रेस करके मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है सेंटर करना, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा आपको क्या फ़ायदा होगा इससे। फिर जूम कर लेता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद एक और ले लेते हैं, 1 इंच इसकी लेते हैं इस बार। हाँ ये ठीक है, फिर इसको ब्रेक अपार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम ये वाला पोर्शन लेंगे दोबारा से, ये वाले को सिलेक्ट करेंगे 0.063। वैल्यूज याद रखिएगा कहाँ कहाँ कितना रख रहे हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ एक दिया, ताकि एक सिमेट्री, हमारे जब कारपेट बनेगा तो उसमें एक सिमेट्री आएगी, सिमेट्री में बनेगा सॉरी। तो फिर से ये हम 2.5 इंचेस वाला लेंगे, देखिए 2.5 गया। फिर से हम ये वाला एक और लेंगे, इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे, लेकिन हर बार ब्रेक अपार्ट करना ज़रूरी है। 0.63 आराम आराम से, 0.63 सॉरी, आराम आराम से देखिएगा वीडियो को, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है लेआउट इसका बहुत। ये अब हमारा पोर्शन तैयार हुआ, आप इसको जूम कर देखेंगे, ये मेन पोर्शन हो गया बीच का। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे बनाए, मैंने क्यों बनाए ये बताऊंगा। इसको सबको वाइट कर लेंगे हम, देखिए मैंने वाइट कर लिया और इस सबकी कॉपी कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं एक नेक्स्ट पेज पर या इसी पर रख लेता हूँ। चलिए फिलहाल एक कॉपी यहाँ भी रख लेता हूँ इसकी, नेक्स्ट पेज पर रख लेता हूँ, एक पेज डाउन, इंसर्ट पेज, पेस्ट। नेक्स्ट पेज पे रखना इसलिए सही है क्योंकि जहाँ जिस पोर्शन में जिस जगह पर पोजीशन में होगा उसी जगह पर ऑटोमेटिकली आएगा। फिर मैं वापस जा रहा हूँ अपने पेज पे। तो अब ये लेआउट तैयार हो गया, अब हम इसमें गाइड लगाएंगे। तो हम गाइड लेंगे एक ये वाली लेफ्ट से वर्टिकल गाइड, ये सेंटर में पी से कर देंगे। फिर से दोबारा एक गाइड लेंगे, यहाँ से सेंटर में पी से कर देंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट एक लेआउट तैयार होता हुआ चल रहा है कारपेट का। अब हमारा बचा है बीच का पोर्शन, यहाँ हम कुछ अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। एक कॉपी हमने आगे रखी हुई है, अलग अलग क्या करेंगे हम उसमें बताएंगे वो एक्सपेरिमेंट। अब सवाल है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्बिनेशन हमें क्या रखना है कारपेट का। तो कॉम्बिनेशन के लिए मैं एलिमेंट यूज़ करने वाला हूँ, तो इस एलिमेंट से कॉम्बिनेशन ये कलर्स यूज ले लूँगा मैं, इसको कॉपी करूँगा मैं, सेलेक्ट करूँगा सॉरी। और यहाँ मैं नीचे एक बार पे एरो पे जाऊँगा, नीचे डॉक्यूमेंट की जो पैलेट है हमारी, कलर पैलेट, उसके ऊपर क्लिक करूँगा ऐड फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये जितने भी कलर होंगे ये पैलेट में ऐड कर देगा हमारे पैलेट में। ये देखिए सब आ गया इसमें, जितने भी ऑप्शन कलर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे काम आने वाले हैं ये कलर्स। अब इसमें से हमें चूज कर लेंगे कुछ कलर्स
क्या क्या यूज करने हैं। तो मैं इसका स्वैचेस यहाँ छोटे से बना लेता हूँ ताकि हमें बहुत परेशान ना होना पड़े। इसको वाइट कर देता हूँ फिलहाल, आउटलाइन को नहीं, सॉरी इसको मैं ग्रे करता हूँ, आउटलाइन को नन। अब इसमें हम डायनेमिक गाइडलाइन मैंने ऑन की हुई थी, आज ऑफ कर देता हूँ। इसके लिए फिर कभी बनाऊंगा एक वीडियो, अच्छा आपके लिए बहुत काम का है। यहाँ कुछ कलर्स ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं रिपीट करके। चलिए अब इसमें से हम क्या क्या कलर यूज कर सकते हैं। नंबर वन, एक तो ये मरून कलर अच्छा सा ले लें, इसमें से ये ले लेते हैं, ये अच्छा है। नंबर टू, हमें इसमें से ये ऑरेंज कलर का, ये येलो वाला ले सकते हैं, ये वाला, ये अच्छा है। या ऑरेंज की नहीं, हम इसी की थीम बनाते हैं, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, ठीक है। अब हम ले लेंगे गोल्डन या ब्लू लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, सॉरी पहले ग्रीन में हम ये वाला डार्क लेंगे, फिर उसके बाद दो कलर यूज करेंगे ग्रीन सिर्फ, या ले लेते हैं पैलेट में ले लेते हैं। यहाँ ये वाला कर देते हैं और यहाँ पर ये डार्क वाला ब्लू कर देते हैं और यहाँ पर हम ये लाइट वाला ग्रीन, ठीक है। एक कलर हम इसमें गोल्ड ले लेते हैं, यहाँ पर हम गोल्ड में भी यार बहुत सारे हैं, ये डार्क ले लेते हैं, एक ब्राउन, एक ये ले लेते हैं और एक यहाँ से ये ले लेते हैं। तीन गोल्ड का ऑप्शन हमने ले लिया। इन कलरों को लेकर हम चलेंगे मेन बेस कलर, हमारी थीम ये रहेगी कारपेट की, इन कलर के अंदर से यूज करेंगे। तो अब मैंने क्या किया था, आपको पता होगा, ये बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इन सबको मैंने एक साथ वाइट कर दिया था। तो वाइट का फायदा क्या होगा अब देखेंगे आप। सबसे पहले मैं इस बिहाइंड वाले को फिल करूंगा कलर को, थोड़ा सा स्वैचेस को ऊपर रख लेते हैं हम, क्योंकि हम इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा। हम यहां जाएंगे, यहां से कॉपी प्रॉपर्टीज कर रहा हूं मैं, एक बार दिखा रहा हूं आपको करके, फिर मैं शॉर्टकट यूज करूंगा जो मैंने ये बनाया हुआ है शॉर्टकट अपना कमांड, मैं तीनों चीजें यूज करूंगा। ये देखिए मैंने व्हाइट किया था इसलिए बाकी सब दिखा रहा है, अदरवाइज अगर ये व्हाइट नहीं होता सब ये एक ही कलर के दिखाता है, आज सिर्फ आउटलाइन हल्की सी दिखाता, इसलिए मैंने व्हाइट किया था। अब नेक्स्ट वाले में हम करेंगे ये वाला पोर्शन सेलेक्ट और इसमें हम, अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा उस कमांड के लिए, यहां से डार्क वाला कलर यूज कर लेंगे। ये जितनी भी हमारी पतला वाला पोर्शन आ रहा है थिन वाला, इसमें सब में यही कलर यूज करूंगा। तो मैं कंट्रोल आर यूज कर रहा हूं एक पे कमांड पे सेलेक्ट करने के बाद, ये देखिए इस तरह। बाद में हम इसको चाहेंगे, अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बाद में देखेंगे हम उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा यहां पर, इसको हम कोई कलर दे देते हैं फिलहाल, ये वाला दे देते हैं। देखिए कीबोर्ड के शॉर्टकट ध्यान रखिएगा मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ दिखाता रहेगा। यहाँ पर भी यही यूज कर सकते हैं या यहाँ पर हम ये भी यूज कर सकते हैं, अभी बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। वैसे हम ज्यादा बहुत कलर नहीं रखना चाहते, हम इसको यही वाला कलर रखेंगे, ठीक है। और इसको गोल्डन रखते हैं यार, गोल्डन ज्यादा अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। अब ये बीच का पोर्शन है, ये दो पोर्शंस है हमारे पास, इन पोर्शंस के लिए हम अभी डिसाइड करेंगे क्या करना है। देखिए मैंने एक कॉर्नर रखा हुआ था, अच्छा हमारी कोशिश ये भी रहेगी जब हम डिजाइन बनाएं तो हमारी फाइल बहुत हैवी ना हो जाए एलिमेंट ज्यादा यूज करके, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो जाएगा जब बाद में दिखने में ये। लेकिन हम इस टेक्निक से डिजाइन करेंगे कि हमारी फाइल हैवी ना हो, डिजाइन बहुत मुश्किल ना लगे, दिखने में खूबसूरत टिपिकल सा लगे थोड़ा सा, टेक्निकली बहुत मुश्किल है लेकिन बनाने में हमें आसान होना चाहिए, फाइल हैवी नहीं होनी चाहिए, हम आसानी से कंट्रोल कर सकें उसको, हैंडल कर सकें। तो इसके लिए हम मिनिमाइज करके करेंगे चीजों को जो कम से कम काम करना पड़े। तो अब इसकी भी जो व्हाइट वाले हैं दोनों बॉक्स, इनकी आउटलाइन भी नन कर देता हूं मैं, ये हो गई नन। अब सभी की हमारी आउटलाइन नन है इनकी, देखिए आउटलाइन एक बार फिर भी नन कर देता हूं मैं। अब हमारी जो कोशिश रहेगी सिर्फ हम इतना पोर्शन, ये क्वार्टर पोर्शन हम डिजाइन करेंगे, फिर उसी से बाकी पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है करने के लिए काम। तो हम इसमें देखिए
सबसे पहले एक ये वाला कॉर्नर यूज करते हैं ताकि कुछ हमारी डिजाइन एक शक्ल लेने लगे। देखिए इसको हम दो तीन तरीकों से अलग अलग यूज कर सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। हमारी गाइडलाइन अब काम आएंगी। अब हम इसको शिफ्ट के साथ वाइड वाले को सिलेक्ट करेंगे, टॉप और राइट लाइन कर देंगे, तो ये कॉर्नर की शक्ल की तरह बनने लगा। देखिए अब हम इसको गाइडलाइन स्नैपिंग ऑन कर देंगे यहाँ से। देखिए ऑब्जेक्ट की भी ऑन है वैसे हमारी, तो हम इसको इस तरह मिला लेंगे थोड़ा सा। हल्की सी इसमें कमी है, वैसे खींचना नहीं चाहिए शेप को, लेकिन हम यहाँ अगर डिज़ाइन इस तरह का है, पता नहीं चलेगा कुछ ऐसा उसमें, तो खींच सकते हैं हल्का सा। देखिए ये बन गया क्वार्टर, तो हम इसको फ्लिप कर लेफ्ट साइड रख लेते हैं। हम लेफ्ट साइड लेफ्ट पोर्शन तैयार करेंगे। देखिए ये वाला, देखिए एक ये बन गया। चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते चीज़ों को, बस आपको समझाता हुआ चलता हूँ मैं। एक पोर्शन ये हो गया हमारा। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, इसके बारे में हम सोचेंगे। यहाँ पर हम करते हैं इसकी एक कॉपी ले लेंगे हम प्लस की, कीबोर्ड से मैंने प्रेस की और ये इसकी एक कॉपी बन गई। इस पर मैं क्या करूँगा, मैंने कल आपको बताया भी जैसा कि ये वाला जो पैटर्न है ये कल बनाया था मैंने, अभी दो दिन पहले इस वीडियो में परसों, तो वो वाला मेरे पास सेव है, तो मैं इसी थीम का डिज़ाइन है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। पैटर्न बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे बनता है। तो मैं ग्रेडियंट टूल लूँगा यहाँ से मैं। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं मेरे, वाइट बॉक्स ये दो हैं एक के ऊपर एक, ये क्यों है अभी बताऊँगा मैं आपको, ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ बारीकी से, ये ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ मैं ग्रेडियंट टूल लिया मैंने और यहाँ वेक्टर पैटर्न मैंने बनाया था, तो ये वेक्टर पैटर्न ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट था लास्ट मेरा तो आ गया यहाँ से, अदरवाइज हम सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आ गया डबल क्लिक करके। अच्छा अभी क्या हो रहा है इसमें, मज़ेदार नहीं आ रहा है। देखिए इसके पैचेज आ रहे हैं ना, तो हम इसको यहीं से फ्लिप कर देंगे वर्टिकल इस तरह, हॉरिजॉन्टल इस तरह, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से। अब ये एजेस मिलकर सही बन गई है, आप देख सकते हैं सही हो गया, ये लेफ्ट टू राइट भी बिल्कुल सही आ रहा है प्रोपोर्शन में। ये देखिए एज पे यहाँ कॉर्नर से आ रही है तो ये टॉप से आ रहा है, ये इस कॉर्नर से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। थोड़ी सी कमी है इसमें, वो हम अभी एडजस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ फ्लिप होकर इस तरह का दिखा रहा है, यहाँ कुछ और है तो हम उसको अभी करेंगे एडजस्ट। और इसी तरह यहाँ देखिए कुछ भी नहीं किया, आसानी से पैटर्न मैंने अप्लाई किया है सिर्फ। अब हम इसको क्या करेंगे, ये गाइड हमारे काम आएगी। गाइड किस तरह काम आएगी, मैं इसको देखिए पैटर्न को जब भी हम बनाते हैं, मैं हैंड टूल ले रहा हूँ, इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मैं ग्रेडियंट टूल लूँगा अपना वापस, तो इस तरह का ये बॉक्स एक मुझे दिखा रहा है ग्रेडियंट को हैंडल करने के लिए, मैं इसको लेकर चलूँगा। मुझे करना क्या है वो मैं इस सेंटर पॉइंट से पकड़ कर ले जाना है मुझे, अदरवाइज ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। देखिए जूम कर लूँगा थोड़ा सा ताकि आसानी से मूव कर सकूँ। मुझे करना क्या है ताकि प्रोपोर्शन में सही आए, ये जो इसका कॉर्नर पॉइंट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये देख लीजिए सर्कल जो इधर दिखा रहा है, ये वाली लाइन मुझे इस सेंटर पॉइंट पर लानी है सिर्फ। देखिए कैसे, इस तरह ये देखिए यहाँ परफेक्ट बिठा देनी है, ये बैठ गई है। अब इससे क्या होगा, ये देखिए हमारे पैटर्न का जो है सेंटर में आ गया है बिल्कुल, तो दोनों साइड टॉप साइड भी और बॉटम साइड भी एक सा हो गया, इसी तरह वर्टिकल भी। गाइड से देखिएगा आप, गाइडलाइन इसीलिए लगाई थी मैंने, यहाँ टॉप से देखिए टॉप से भी बिल्कुल सेंटर आ गया है। हल्का सा देखिए एज पर है मामूली सा फर्क, उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्स आ गया, इसी तरह कॉर्नर हमारे एक से आ गए होंगे। देखिए कॉर्नर में इतना यहाँ दिख रहा है तो इतना ही लेफ्ट में दिख रहा है, ये इसकी टेक्निक है। हल्की सी जो कमी थी वहाँ, देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठा हुआ है हमारा, इसलिए थी, हम इसको परफेक्ट बिठाएंगे। और हल्की सी कमी है वैसे, इतनी बारीक महसूस भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल के साथ, यहाँ देखिए बिल्कुल जीरो जीरो बैठ गया। अब हम इसको जूम कर देखेंगे तो पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए एकदम बिल्कुल सेंटर में। तो ये अब दम हमारा चारों तरफ से सेंटर हो गया पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बारीकियां डिजाइन में ब्यूटी लाती हैं आपके। अभी हमारा पोर्शन तैयार हो गया, अब हम इसको सिंपली फ्लिप करेंगे, इसी तरह इसको
टॉप से बॉटम की तरफ फ्लिप कर देंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ रिलीज करके। ये हमारे पैटर्न का एक लेआउट कारपेट का तैयार हो गया। देखिए जूम कर दिखाता हूँ मैं इतना पोर्शन, अच्छा लग रहा है यहाँ तक हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अब हमें इसमें और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ एक कॉर्नर और लेकर रखा था, इसकी जगह मैं चाहता था ये यूज करूँ, फिर मैंने सोचा नहीं अगर ये हमारी थीम है तो यही यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम ये भी यूज कर सकते थे अगर टाइम हुआ। वैसे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी आज की तो मैं दिखा दूंगा, अदरवाइज इसी को हम मानकर चलेंगे। अच्छा एक कॉपी में इसकी आपको रखकर दिखाता हूँ इसको साइड में, देखिए इसकी कॉपी कर लेता हूँ मैं, बॉटम वाले पे ले जाता हूँ एक बार। मैंने जो कहा था इसके ऑप्शन बना सकते हैं हम, ऑप्शन क्या है वो, इसको हम फ्लिप कर लेंगे हॉरिजॉन्टल इस तरह, इसी तरह इसको कर लेंगे, इसी तरह इसको कर लेंगे, इसी तरह इसको कर लेंगे, तो ये डिफरेंट डिजाइन बन गया एकदम। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर का पॉइंट कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो यहाँ पर हम दूसरे तरीके का पैटर्न कर सकते हैं, वो भी अभी दिखा दूंगा अगर टाइम मेरे पास बचा दिखाने के लिए। अब बचा हमारे पास ये दो गोल्डन वाली स्ट्रिप्स, इसको ऐसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं लेकिन हम प्लेन नहीं छोड़ेंगे, हम चाहते हैं कुछ और इसमें एक्स्ट्रा करेंगे। ये तो मैंने कुछ एलिमेंट निकाल कर रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप ये क्या है, इनको यूज करेंगे। अब हम इनको कैसे यूज करेंगे, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये तो मैं क्योंकि लीफ वाला डिजाइन है तो लीफ वाला ये भी ले सकते हैं, ये बॉटम वाला भी, तो ये वाला बॉटम वाला लेकर यूज करते हैं। चलिए बॉटम वाला यू, अच्छा एक चीज और आपने नोट की होगी, मैंने जो कंटूर किया है इसमें, इसमें मैंने कहीं भी आउटलाइन का यूज नहीं किया है, मैंने कोशिश की है इसमें सभी जगह फिल यूज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए इसमें फिल मिलेगा आपको ज्यादा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको रीसाइज करेंगे तो वो आउटलाइन हमारी अगर रीसाइजिंग के ऑप्शन पर सिलेक्ट नहीं है स्केल विद इमेज पर तो काम नहीं करेगी, तो वो एक ही प्रोपोर्शन में रहेगी, मैंने इसलिए यूज नहीं किया, तो फिर मैं इसको यूज करूंगा। अब ये हमारी याद होगा आपको 0.25 की थिकनेस रखी थी, तो अब मैं भी इसकी भी 0.25 रखूंगा, इसको वाइट कर देता हूं ताकि क्लियर देख सके हम। यहां से हम इसको बटन ऑफ कर लेंगे ऑन 0.25 ताकि प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो टॉप एंड लेफ्ट, परफेक्ट। अच्छा ये इस डिजाइन का एक फायदा और है, चारों एंगल से एक साइज को हम फ्लिप भी कर देंगे अगर रोटेट कर इस तरह तो भी एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा, तो इससे फायदा ही होगा, हम इधर भी और इधर भी बना सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसके दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली इतना जूम करेंगे हम क्वार्टर यहाँ गाइडलाइन तक, चाहे आप वन फ्लिप करेंगे फिर कंट्रोल आर से रिपीट करते रहेंगे, देखिए ये एक इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये लास्ट में आके आप देख रहे हैं थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, तो हम इसको एक को हटा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी बाद में उसको हम देख लेंगे कैसे होगा। फिर इसको हम इस तरह करेंगे वर्टिकल, और यहां से हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे। अब हम इसको रिपीट करते रहेंगे कंट्रोल आर से, ये देखिए एक पैटर्न की रिपीटेशन कमांड, ये देखिए इस तरह रिपीट हो गया, ये भी डिलीट कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा गैप यहाँ है, थोड़ा सा गैप यहाँ है, हम क्या करेंगे ये लास्ट वाला पोर्शन छोड़ देंगे, बाकी इतने सिलेक्ट करेंगे और इनको थोड़ा सा ड्रैग करके बढ़ा लेंगे एडजस्ट करने के लिए, कोई ऐसा शेप में पता नहीं चलेगा बहुत ज्यादा। इसी तरह हम यहाँ पर ये फर्स्ट वाला पोर्शन छोड़कर बाकी ये वर्टिकल कर लेंगे लाइन, इसी तरह हल्का सा यहाँ इसको खींच देंगे, तो ये वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मजबूरी में आपको टेक्निक सिखाने के लिए बस, ऐसा भी किया जा सकता है जिस डिजाइन में आप चल सकता हो। तो ये हमारा क्वार्टर बन गया, अब हम इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह, तो ये ग्रुप कर देंगे इसको हम एक साथ कंट्रोल, मेरे पास शॉर्टकट बनाया हुआ था मैंने उससे कर दिया है, फिर वर्टिकल करेंगे फिर इसको एक साथ हम ग्रुप कर देंगे, ये देखिए ये डिजाइन तैयार हो गया परफेक्ट। या एक काम और कर लीजिए आप, ये डिजाइन तो हमारा बन ही गया है, अब हम इसकी एक कॉर्नर की कॉपी लेंगे सिर्फ, लेफ्ट साइड का ये इतना पोर्शन कॉपी एंड पेस्ट, और इस वाले गोल्ड पे फिर से रख लेंगे हम टॉप एंड लेफ्ट, ये सही है परफेक्ट। इसको हम डिलीट कर लेंगे कुछ जितने हमारे एक्स्ट्रा हैं,
हाफ कर लेंगे हम इसको जैसे था, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे जैसे अभी हमने किया था, कोई बात नहीं, सही है। तो हम इसको अनग्रुप कर लेंगे, अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स, वर्टिकल, लास्ट वाला पीस छोड़ देंगे हम, इसको हल्का सा गाइड तक एज से मिला देंगे इस तरह, परफेक्ट। इसी तरह हम यहां से सिलेक्ट करेंगे, इसको इस वाली एज से गाइड से मिला देंगे, परफेक्ट। देखिए ये हमारा इतना सिलेक्ट है, हम थोड़ा सा और इसके साथ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप कर देंगे। अब हम इसको भी फ्लिप कर देंगे। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट छोटा सा यूज किया है, ये भी मेरा आउटलाइन नहीं है, फिल कलर है, आप यहां बॉटम में देख सकते हैं, देखिए परफेक्ट। तो अब ये ऑलमोस्ट हमारी एक कारपेट की शक्ल लेने लगा है डिजाइन। अब थोड़ा सा खालीपन बीच में है, ये वाइट पोर्शन जो है, इसके लिए हम कुछ करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, और भी कर सकते हैं कुछ, और हम यहां जो हमारा पोर्शन वाइट है, इसको वाइट छोड़ना चाहें वाइट भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। पहले इतना पोर्शन सेव कर लेता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्मार्ट फिल का यूज। ये बीच वाला पोर्शन क्योंकि अब हमारा तैयार है, बहुत सारी जगह कनेक्ट है, स्मार्ट फिल से फिल कर देखते हैं कि क्या फिल हो रहा है। स्मार्ट फिल लेंगे, यहां कोशिश करेंगे देख के। देखिए फाइल हमारी अभी तक बहुत आराम से इजीली हैंडल हो रही है, इतना हैवी और इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला डिजाइन उन्होंने बना लिया है। देखिए अच्छा भर फिल आया है ये, हम इसको इतना ही यूज कर लेंगे ऑटोमेटिक जो आ गया। अब इसमें कलर हम चाहें तो यहां से मरून फिल करेंगे, क्योंकि कारपेट यूजुअली मरून काफी होता है इतना। देखिए अच्छा लग रहा है ये, मरून हो गया। अब बचा हमारे पास एक ये एलिमेंट हमने लिया था, बहुत अच्छा, ये भी लीव्स हैं, हम इसको इस पोर्शन में फिल करेंगे। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम सिंपली इसकी कॉपी ले लेते हैं, इसको हम फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप करना अच्छा है, पैटर्न सही बन जाएगा। देखिए इस तरह एक और बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये पैटर्न अगर इस यूज करेंगे हम थोड़ी सी हैवी हो जाएगी हमारी फाइल, अगर इस तरह बनाकर यूज करने वाले हैं तो। कोई बात नहीं, अभी तक हमारी आराम से हैंडल हो रही है फाइल, कर लेंगे। अब इसको हम पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे, इस जो मरून हमने बनाया है गोल्ड कलर में, लेकिन हमारा गोल्ड ये सही नहीं है, तो हम ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे इसको, हम ऑल्ट लेंगे, कलर लेंगे हमारा वाला गोल्ड, इनमें से कोई ये वाला यूज करके देखते हैं। देखिए ये भी सही है, अच्छा है, या इसको वाइट भी दे सकते हैं, वाइट नहीं बहुत बुरा लग रहा है, ऑरेंज यूज कर सकते हैं हम, ये अच्छा लग रहा है, ये यूज किया जा सकता है, लेकिन मरून एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है इस वाली थीम का। ये वाला ग्रीन, ये अर्धी कलर है, कुछ ग्रीन भी नहीं है, गोल्ड ही लेंगे दोस्तों, गोल्ड की थीम बहुत अच्छी आती है मरून के साथ। देखिए लेकिन ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ये वाला सही है, डार्क कलर। कॉम्बिनेशन की क्लास नहीं है, टेक्निक की क्लास है, आप समझ गए होंगे थियोरी पूरी क्या है। देखिए कॉर्नर बन गए हमारे, अब इतना सब कुछ हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये, यहाँ कॉम्बिनेशंस के साथ और खेल सकते हैं हम थोड़ा सा। क्या कर सकते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, चलिए देखने के लिए, सॉरी ये भी सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर मैं आपको दिखाने के लिए कॉम्बिनेशन के साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा। हम इस वाले पोर्शन को, ये जो डार्क कलर की आउटलाइन है, इसको गोल्ड कर देंगे हम, ये वाला गोल्ड अपना, और ये जो हमारा बेस वाला गोल्ड हमने बनाया हुआ है उसको हम ये वाला डार्क वाला कलर यूज कर लेंगे इसमें, या ग्रीन यूज कर सकते हैं डार्क वाला जो हमने लिया हुआ है चूज करके। देखिए ये वाला बहुत अच्छा लगेगा, हाँ ये कलर बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन, ये ग्रीन भी अच्छा है, लेकिन ये डार्क वाला ग्रीन अच्छा है, ये यूज करेंगे हम, इसमें भी हम यही यूज कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें हाईलाइट हो गई, ये गोल्ड कम हो गया,
अच्छा लग रहा है, ये डार्क भी आ गया। मेरे ख्याल से हो गया, इतना काफी है। हो गया है काफी। इसमें किया तो और भी जा सकता है, कुछ क्या किया जा सकता है। एक सर्कल बना लीजिए यहाँ सेंटर में, और इसको इसके सेंटर में रख दीजिए, बिल्कुल सेंटर इक्वल इस वाली से कीजिए। सही है, परफेक्ट। इसको हम वाइट करते हैं फिलहाल, और हम क्या करेंगे, इसको क्वार्टर काट लेंगे हाफ। देखिए ये थ्योरी भी समझ लीजिए, इसका क्या फायदा होगा अभी बताऊंगा आपको। इस सर्कल की कॉपी रख लेता हूं आपको समझाने के लिए कि मैंने हाफ क्यों काट रहा हूं इसको। मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, ये छोटा सा। देखिए फिर दोबारा से मैंने इसकी कॉपी ले ली, इस बार इसको इस तरह थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे, या रिड्यूस ना भी करें आप, प्रोपोर्शन ओरिजिनल साइज ही रखिए इसको। टॉप सॉरी टॉप राइट, ये ज्यादा हो गया। इस तरह कर लेंगे कुछ। देखिए थोड़ी सी और टॉप कर लेते हैं इसको, ताकि ये फ्लावर हमारे दोनों तरफ के पूरे आ जाएं। ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, परफेक्ट। फिलहाल इतना काफी है हमारे लिए। पावर क्लिप इनसाइड इस एज के अंदर कर देते हैं, देखिए। और इसकी भी आउटलाइन हम बना लेंगे, अभी बना लेंगे, चलिए देखेंगे। अच्छा अब आपको बता दूं ये मैंने क्यों किया। ये देखिए फ्लिप करूंगा मैं इसको, तो इसके चारों एजेस परफेक्ट सर्कल बनाएंगी, और इसको सबको एक साथ सिलेक्ट कर कर ग्रुप कर दूंगा। अब डिलीट करके देखेंगे तो ये सही है, परफेक्ट। हम इसमें गोल्ड कलर जो हम यूज़ करना चाह रहे थे यहाँ कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं, हमने ऑरेंज कहीं यूज़ नहीं किया है। वैसे बहुत ज़्यादा कलर से बचेंगे तो ही अच्छा है, जितना मिनिमाइज करके कलर और अच्छे करके कलर यूज़ करेंगे। वाइट ही कर दीजिए इसको, वाइट अच्छा लग रहा है सेंटर में। इसकी बेस में भी दे सकते हैं हम कलर वाइट, इसमें यहाँ अच्छा है, लेकिन इसको ऑल्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया है बैक को। यहाँ कलर क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ये वाला यूज़ करेंगे। हाँ यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, शानदार। ये देखिए परफेक्ट। हम इस वाले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि ये इसको थोड़ा सा जो हाईलाइट है और अच्छे से आ जाए ये गोल्ड। हमने चारों सेलेक्ट कर लिए, गोल्ड हम थोड़ा सा ब्राइट वाला दे देंगे यहाँ पर। ये देखिए परफेक्ट, बहुत अच्छा। यहाँ अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल कॉपी किया, अच्छा ये बताने वाला था मैं आपको ये मैंने क्यों किया। अब सिंपली बस इसका तरीका ये है, अगर मैं इस पर लगता तो ये इस तरह बनकर आता है। देखिए पावर क्लिक करूंगा मैं, कहीं भी प्लेस करता तो मैं पूरे सर्कल के हिसाब से बनता। अब ये प्रोपोर्शन चारों साइड के एजेस के नहीं आते, ठीक है। तो मैं इसको जेड कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, और इसका एक सर्कल वही कंट्रोल F9 कंटूर 063 बिल्कुल सही है। आउटसाइड करना है मुझे इस बार, ये आउटसाइड कर लूंगा, ब्रेक का पार्ट करूंगा इसको मैं। क्या है, इसको डिलीट कर दूंगा अंदर वाले को, इसको वाइट को, ये वाला गोल्ड कर दूंगा मैं, जो मैंने अभी यूज किया है। राइट, इसको पेज अप कर दूंगा मैं, और इसको सेंटर इक्वल। राइट परफेक्ट। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की क्लास यही खत्म कर देनी चाहिए, काफी लंबी भी हो गई ये क्लास, और आप लोग भी कहीं बोर ना हो गए हों। तो ये आपकी क्लास, ये पूरा ओवरऑल बन गया है। इसके कॉम्बिनेशंस आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहें। तो मैं F9 कर कर दिखा देता हूँ, दो ऑप्शंस एक ही डिजाइन से बहुत आराम से बनाकर हमने, वो कितनी इजीली फाइल हैंडल हो रही है देखें आप। जूम जूम आउट एलिमेंट इधर उधर कर रहे हैं हम, और आसानी से फाइल हमारी डील कर पा रहे हैं हम फाइल के साथ। तो उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी हो आपको। कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह की एलिमेंट डिजाइन करना चाहते हैं, और हाँ मैं इस ये डिजाइन नहीं दूंगा मैं आपको, मैं इसके एलिमेंट जो मैंने यूज किए हैं वो मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक उनका, उनको यूज कर वेक्टर दूंगा और उनको यूज कर आप इस तरह का डिजाइन कुछ, या अपने आपके पास कोई और आइडिया हो कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर आप वीडियो बना आप अपना इमेज कोरल वाले पेज पर हमारे सीडीटीएफबी के फेसबुक पेज पर शेयर कर दिखाइएगा। अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नई क्लास में फिर मिलेंगे नए ट्यूटोरियल में। अब तक देखते रहिए कोरल डॉ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सीडीटीएफबी फैमिली।